हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का ताइको कैफे का वॉन्सर वीडियो शुरू करते हैं। आज की सनसनीखेज खबर, ताइको का हो गया ब्रेकअप, ताइको कब अलग हो जाएंगे। मशहूर सुपरस्टार किम तायोन और मशहूर सुपरस्टार जियोन जोंगकुक अब अलग होने जा रहे हैं, ताइकुक अब अलग होने जा रहे हैं। दोनों ही सुपरस्टार्स ने ये अनाउंस कर कंफर्म कर ही दिया है कि वो दोनों अलग हो चुके हैं, उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। जोंगकुक अपने रूम में बैठकर न्यूज लगाकर ये सब देख रहा होता है और बहुत ज्यादा शराब पी रहा होता है। तभी जब ये न्यूज वो सुनता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे इतनी ज्यादा तकलीफ महसूस होती है कि वो ग्लास को पकड़ता है और टीवी में दे मारता है। टीवी टूट जाती है और ग्लास भी नीचे गिर जाता है और टूट जाता है और जोंगकुक बहुत ज्यादा रोने लगता है। अगले ही दिन सुबह डायरेक्टर का कॉल आता है और डायरेक्टर कहने लगता है तुम्हें शूटिंग पर नहीं आना। तो जोंगकुक कहने लगता है नहीं, मुझे शूटिंग नहीं करना और ताहिन के साथ मैं शूटिंग शायद अब और नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद डायरेक्टर कहने लगता है जोंगकुक बी प्रोफेशनल, ताहिन ने भी अभी हाँ कर दिया है और तुम भी आ रहे हो क्योंकि तुम अपने पर्सनल रीजंस के वजह से किसी का नुकसान नहीं कर सकते। चुपचाप आ जाओ, शूटिंग करो और जस्ट मूव ऑन, इतना क्या सोच रहे हो तुम। जोंगकुक बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाता है और ये सोचने लगता है अगर ताहिन वहां पर जाकर शूटिंग कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और यही सब सोचकर जोंगकुक सेट पर पहुंच जाता है। पर जब जोंगकुक ताहिन को देखता है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके आंखों में आंसू आने ही वाले होते हैं कि वो खुद को समझा लेता है कि ये लास्ट सॉन्ग है जोंगकुक, तुम कर सकते हो, कुछ मत सोचो, सिर्फ शूटिंग खत्म करो और यहाँ से चले जाओ, कुछ भी नहीं है तुम्हारे बीच में। और यही सब अपने आप को समझाते हुए जोंगकुक कैमरे के सामने खड़ा हो जाता है। ताहिन भी वहां पर पहुंच जाता है और उनकी शूटिंग शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं और देखते ही देखते ताहिन अपना डायलॉग भूल जाता है। डायरेक्टर वहां से चिल्लाता है और कहने लगता है ताहिन क्या कर रहे हो, तुम डायलॉग कैसे भूल सकते हो, हमें आज ही शूटिंग खत्म करनी है, तुम्हें मालूम है ना। ताहिन कहने लगता है सॉरी सर, एक और टेक लेते हैं। दूसरी बार करते हुए ताहिन जोंगकुक के आंखों में देखता है और कहने लगता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जोंगकुक कहने लगता है मुझसे ज़्यादा नहीं कर सकते और एक दूसरे के आंखों में पैशनेटली देखने लगते हैं। जोंगकुक के मन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और तभी ताहिन भी उतना ही दर्द महसूस कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे के आंखों में पैशनेटली देखते ही रहते हैं कि डायरेक्टर कहने लगता है कॉट नाइस शॉट, तुम दोनों ने अच्छा काम किया है, चलो नेक्स्ट शॉट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉट से पहले ताहिन का मेकअप आर्टिस्ट ताहिन को रेडी कर रहा होता है। तभी पीछे से जोंगकुक आता है और ताहिन को देखने लगता है। ताहिन जोंगकुक को मिरर में देखता है और फिर जैसे ही ताहिन और जोंगकुक का आई कॉन्टेक्ट होता है कि जोंगकुक वहां से चला जाता है। नेक्स्ट शॉट में पहाड़ों के बीच जोंगकुक और ताहिन एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं। तभी बारिश हो जाती है और ताहिन वहां से जाने ही लगता है कि ताहिन का ब्रेसलेट जोंगकुक के शर्ट में अटक जाता है। जोंगकुक उसका ब्रेसलेट को धीरे से निकालने की कोशिश करता है पर तभी ताहिन का ब्रेसलेट टूट जाता है और ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है क्या तुम्हें पता भी है ये ब्रेसलेट मेरे लिए कितना ज़्यादा प्रेशियस था। और इतना कहकर ताहिन वहां से ब्रेसलेट लेकर दौड़कर रोते हुए चला जाता है। जोंगकुक को समझ नहीं आता कि ताहिन इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रहा था क्योंकि वो ब्रेसलेट वही ब्रेसलेट था जो जोंगकुक ने ताहिन को गिफ्ट किया था। जोंगकुक समझ नहीं पाता कि उन दोनों के ब्रेकअप होने के बाद भी ताहिन के लिए वो ब्रेसलेट इतना ज्यादा प्रेशियस क्यों है। वो सोचने लगता है कि क्या अब भी ताहिन उससे प्यार करता है और फिर यही सोचते सोचते वो अंदर चला जाता है। डायरेक्टर कहने लगते हैं और नो, बारिश को भी अभी होना था, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बारिश के खत्म होने तक क्योंकि हम ये शूटिंग बारिश में नहीं कर सकते। ताहिन और जोंगकुक एक दूसरे के पास ही बैठे होते हैं लेकिन वो दोनों बात नहीं कर रहे होते हैं। ताहिन भी जोंगकुक के बारे में सोच रहा होता है और जोंगकुक भी ताहिन के बारे में सोच रहा होता है। जोंगकुक सोचने लगता है कि कैसे ऐसे ही बारिश के दिनों में वो लोग बहुत ज़्यादा मस्तियाँ किया करते थे, वो लोग स्ट्रीट फूड खाया करते थे और कैसे हमेशा ताहिन अम्ब्रेला ले जाना भूल जाता था और ताहिन को बारिश में भीगना कितना ज़्यादा पसंद था। और जोंगकुक जब भी उसके लिए अम्ब्रेला लेकर भी आता था तो ताहिन उसका भी अम्ब्रेला फेंक देता था और दोनों ही बारिश में भीगने लगते थे। एक बार ऐसे ही भीगते भीगते जोंगकुक ने ताहिन को वो ब्रेसलेट पहनाई थी जो ताहिन ने अब तक पहन रखी थी और अभी उसका ब्रेसलेट टूट चुका था और वही सोच सोच कर ताहिन थोड़ा थोड़ा रो रहा था। ताहिन अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कैसे पिछले बारिश में वो दोनों एक साथ थे, एक ही रूम में थे और
बारिश को एंजॉय कर रहे थे। कैसे जोंगकुक ताहियुन के लिए कॉफी बनाता है और दोनों मिलकर बारिश को एंजॉय करते हुए खिड़की के पास बैठकर बारिश देखते रहते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। ये सब सोचकर ताहियुन का मन टूट रहा था। दोनों बारिश को देखकर ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी बारिश खत्म हो जाती है और डायरेक्टर कहने लगता है चलो शूटिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बारिश खत्म हो चुकी है और पहाड़ों वाली बारिश का कोई भी भरोसा नहीं है, फिर से हो सकता है, हमें जितना जल्दी हो सके ये शूटिंग खत्म कर यहाँ से जाना चाहिए। ताहियुन और जोंगकुक फिर से शूटिंग करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ गाना गाते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं। शूटिंग चल ही रहा होता है लेकिन एक किसिंग सीन होता है जिसमें वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही जा रहे होते हैं, लेकिन जोंगकुक खुद को रोक लेता है और कहने लगता है प्लीज मुझसे ये नहीं होगा। ये कहकर जोंगकुक वहाँ से चला जाता है। डायरेक्टर उसके पीछे पीछे चला जाता है और कहने लगता है जोंगकुक तुम क्या कर रहे हो, ऐसे ही चलता रहा तो ये शूटिंग कभी ख़त्म नहीं होगी। जोंगकुक कहने लगता है नहीं मुझसे ये नहीं हो सकता, आपको तो सब कुछ पता है ना, तो मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ, मैं ताहियुन को अभी किस नहीं कर सकता। डायरेक्टर कहने लगता है ये लास्ट किस है जोंगकुक, इसके बाद वैसे भी तुम दोनों अपने अपने रास्ते ही चले जाओगे और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगा। अगर ये स्क्रिप्ट की डिमांड नहीं होती तो मैं ये सब तुम्हें करने के लिए कभी नहीं कहता, मैं तुम्हें समझता हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारी भी तो ड्यूटी है ना, हमें वो करनी ही होगी। ये सब कहने के बाद डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है और कहने लगता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये कहकर डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर रोने के बाद और थोड़ी देर खुद को शांत करने के बाद जोंगकुक फिर से शूटिंग में लौट आता है। ताहियुन वहाँ पर खड़ा खड़ा बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है, क्योंकि सभी उसे देख रहे होते हैं और सभी को ही पता होता है कि उन दोनों के बीच में क्या है, उन दोनों ने ब्रेकअप कर रखी होती है, इसीलिए ही वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। पर तभी जोंगकुक वहाँ पर लौट कर आता है और डायरेक्टर पूछने लगता है जोंगकुक तुम ठीक हो, क्या हम स्टार्ट करें। जोंगकुक कहता है यस डायरेक्टर। डायरेक्टर पूछने लगता है ताहियुन आर यू रेडी, ताहियुन कहता है हाँ डायरेक्टर मैं रेडी हूँ। उसके बाद ही दोनों शूटिंग स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों को ही फील होता है जैसे वो दोनों पहली बार किस कर रहे हो, वो दोनों को वो पहली किस की एहसास होने लगता है और दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस कर देते हैं, इसके बावजूद कि उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया होता है। थोड़ी ही देर बाद डायरेक्टर चिल्लाने लगता है कट नाइस शॉट, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, हम अभी पैकअप कर सकते हैं, पैकअप। सारे ही लोग पैकअप के बाद जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और छोटे मोटे आर्टिस्ट जोंगकुक के साथ और ताहियुन के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं। जैसे ही ताहियुन थोड़ा सा फ्री होता है वो डायरेक्टर से कहने लगता है डायरेक्टर अब मैं जा रहा हूँ। डायरेक्टर हाँ कहता है और ताहियुन वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए ताहियुन एक लास्ट बार जोंगकुक को मन भर कर देखता है और फिर अपने कार में बैठकर चला जाता है। ताहियुन जाते हुए सारी बातें अपनी मन में सोच रहा होता है, कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा खुश थे, उन दोनों ने बहुत छोटी रीज़न के वजह से ब्रेकअप तो कर लिया था लेकिन अभी भी ताहियुन कहीं ना कहीं जोंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसे पता होता है कि जोंगकुक के बिना उसका जीना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो जोंगकुक के बिना जीना सोच भी नहीं सकता और वो शूटिंग पे हुए किस के बारे में भी सोचने लगता है और सोचने लगता है मुझे वो किस इतना ज़्यादा फील कैसे हो सकता है, हम दोनों ने ब्रेकअप भी कर लिया है लेकिन फिर भी मुझे अभी तक याद है कि हमने जब फर्स्ट टाइम किस किया था वो भी मुझे ऐसा ही फील हुआ था और ये किस भी मुझे अब भी ऐसा ही फील हो रहा है, क्या मैं अभी भी जोंगकुक से इतना ही प्यार करता हूँ, क्या मेरे मन में अभी भी जोंगकुक के लिए कुछ है। ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा दुखी होने लगता है और उसका दिल टूट जाता है। वो ड्राइवर से कहता है ड्राइवर प्लीज़ रोकना गाड़ी, और ड्राइवर एक ब्रिज के ऊपर होता है जहाँ गाड़ी रोक देता है। ताहियुन गाड़ी से उतरता है और ब्रिज के एज में जाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, वो नीचे नदी को देखता है और बहुत ही ज़ोर से रोने लगता है। तभी किसी और की गाड़ी आकर पीछे रुकती है और वहाँ से जोंगकुक उतरता है। जोंगकुक को देख कर ताहियुन और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है और वहाँ पर जोंगकुक खड़ा होता है और अपनी बाहें फैला देता है। उसे बाहें फैलाते हुए देख कर ताहियुन को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होता है। ताहियुन कुछ बिना सोचे समझे दौड़ कर जोंगकुक के पास जाता है और उसके गले लग जाता है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत टाइटली हग करते हैं और जोंगकुक ताहियुन को अपने बाहों में भर लेता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी फिर से बादल गरजने लगता है और बारिश होने लगती है। वो दोनों बारिश में भीगते हैं और एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं।
इस स्टोरी में इतना ही था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और कमेंट पे हमें ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट एक्साइटिंग स्टोरी के साथ इसी समय कल। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।